वेलकम फ्रेंड्स, हमारे चैनल एस्ट्रोसाई गुरु में आपको सबसे पहले दशहरा और नवरात्रे की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज जो है आदि शंकराचार्य कृत एक उन्होंने एक बहुत बड़ा एक स्तोत्र बनाया था जिसका नाम है महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र। इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा। इस पे जैसे नाम से ही क्लियर है, महिषासुर मर्दिनी जिसको महिषासुर का वध करने के लिए दुर्गा माता ने स्वरूप लिया, और इसलिए जो है महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र जो है ये इस आदि शंकरा भगवान ने जो है इसको इसको रचित किया था। तो महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का जो है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं ये बताना चाहूँगा, ये बहुत ही पावरफुल स्तोत्र है दुर्गा माता का। और इसमें क्या है कि जो लोग को कंटिन्यूस नेगेटिविटी से जो है फेस कर रहे हैं, उनमें कॉन्फिडेंस की कमी है, आत्मविश्वास की कमी है, उनमें इनके हर काम जो है रुक जाते हैं, उनको जो है शत्रु भय रहता है, उनको कोर्ट केसेस में दिक्कत है, उनको कोई अज्ञात भय जैसे अननोन फियर्स, जैसे कोई कोई समस्या ना हो के भी फिर भी कोई उनको जो है एक भय सा रहता है जिससे कि पता नहीं क्या हो जाएगा मेरा, यह इस सब अज्ञात भय से छुटकारा दिलाने के लिए महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही पावरफुल है। इसकी थोड़ी ये 20 वर्सेस में है। शुरू में देखिए, जो शुरू शुरू में आप इसको आप करेंगे तो थोड़ी आपको कठिनाई आ सकती है, तो इसलिए सिर्फ मात्र इसका आप इसका पाठ सुनने के बाद जो है आप इसको जो है इसको फिर आप इसको आप खुद भी आप इसको अपने स्तोत्र के रूप में आप गा सकते हैं। इसमें थोड़ा समय लग सकता है शुरू में आपको, मगर ये है ये आप स्तोत्र अगर रेगुलरली अगर आप सुनते हैं या अगर आप इसको जपते हैं तो मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि आपको जो भी जो कठिनाई आ रही है, जो व्यापार में मान लीजिए आपके रुकावट आ रही हैं, कंटिन्यूस रुकावट्स आ रही हैं आपको एग्ज़ाम्स के लिए IIT के लिए जा रही हैं, IIT एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, JEE के लिए जा रहे हैं, नीट के लिए जा रहे हैं, ऑल दीज कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जहाँ पर जो है आपको पढ़ाई से ज़्यादा एक भय है पता नहीं होगा या नहीं होगा, उस पर जो है ये महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का जो है आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। मतलब आपको ट्रेमेंडस सेल्फ कॉन्फिडेंस, ट्रेमेंडस विल पावर बढ़ेगी आपकी। जो लोग जो हम आजकल हम सुन रहे हैं, इतने आप चैनल्स पे भी देख रहे हैं, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण के प्रभाव, आकर्षण ऐसे होगा, आप ये जपिए आपके पास धन आ गया। आप मेरे फ्रेंड्स, ऐसे धन नहीं आता है, आपके अंदर ही नेगेटिविटी है तो आप जो है नेगेटिव ही आप उसको अट्रैक्ट करेंगे। तो इसलिए पॉजिटिव होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र आप करिए रेगुलरली। पहले आप इसको मेरे हिसाब से आप कम से कम 21 डेज करिए, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहते हैं कि 21 दिन का चैलेंज है, आप 21 दिन करें। ये दवा नहीं है, ये पक्का जो है हमने इसको आजमाया है कई लोगों पे, जिनों भी जो बहुत ही वीक होते थे, बहुत ही घबराहट उनमें होती थी, आज जो है वो इतने स्ट्रांग हो गए हैं, वो उनको सामने कोई भी आपके सामने मुश्किल आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए, आप जो है उसको फेस करेंगे। अभी क्या हो रहा है कि जब कोई प्रॉब्लम आती है तो आप घबरा के भाग जाते हैं, तो क्या है आपने अपने हथियार डाल दिए, उससे क्या होता है कि आपके अंदर जो शक्तियां हैं वो बिल्कुल डोरमेंट हो जाती हैं, वो लड़ नहीं पाती। तो महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र के दुर्गा माता के जो ये स्वर, उन्होंने देखिए महिषासुर इतने बड़े जो राक्षस थे उनका वध किया भगवान शिव की कृपा से। तो दुर्गा माता कहते हैं कि हमारे अंदर भी जो है कई महिषासुर हैं, काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, जलसी है, ये हमारे आलस्य है, प्रमाद है, इस किस्म की जो चीज़ें हैं इसको हमें त्यागना पड़ेगा। ये हम त्यागेंगे तभी हम जो है अपने पे जीत कर पाएंगे। देखिए आज की डेट में क्या है, सबसे बड़ा शत्रु कहाँ है, आपके बाहर नहीं, आपके अंदर है। आप अपने अंदर के शत्रु को जीतेंगे तो आप कोई भी जो है मुसीबत से किसी की भी मदद के बगैर आप कर सकते हैं। आपको सिर्फ जो है भगवान दुर्गा माता शिव भगवान की ध्यान दें। आप जो है, मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप ये दुर्गा का महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र आपका पाठ करें। और देखिए अभी नवरात्रि में तो आप कर ही सकते हैं, मगर उसमें अभी आप ना करें तो आप इसको शुरुआत शुक्रवार से करें। शुक्रवार से आप एक निश्चित समय पे करें, सुबह 9 बजे करें या शाम को 6 बजे करें। इसको दिन में 2 बार कर सकते हैं तो और बढ़िया, नहीं तो एक बार तो आप करें। आप सुबह करेंगे तो आप देखेंगे आपको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवनेस आएगी, विल पावर बढ़ जाएगा। और मैं एंड में आपसे यही कहूँगा कि जैसे आपने पहले मेरे वीडियोस में काफ़ी सपोर्ट किया है, आप इसको लाइक और शेयर करें और मेरे को कमेंट करके बताएं कि आपको जो है ये महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र के क्या बेनिफिट हुए। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड फॉर द फ्यूचर।
एंड गुड विशेस फ्रॉम दुर्गा माता जी. ओम साई राम.